और घन के आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, और कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स बातें ना करें, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे प्रश्न लिखा जाएगा वो आपके आगामी एग्जाम में आएगा। मैं सभी बच्चों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 834 कुछ पोस्ट है, उसमें सिलेबस वही है, बस 25 नंबर की इंग्लिश आ गई है और टाइपिंग है। आप चाहो तो कर सकते हो। अभी देखिए, दो दिन आपकी इंग्लिश क्लास नहीं चली इसलिए क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब थी, और लेकिन इंग्लिश क्लास आपके 6 के 6 दिन चलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें बच्चे अप्लाई करें। जो भी छात्र 18 साल का है, 12वीं पास है और जिसकी 1.65 सेंटीमीटर हाइट है, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी छात्र 18 उम्र का है और 12वीं पास है जिसकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर है, वह इसको भर सकता है। इसमें 25 नंबर की इंग्लिश आनी है, वो आपकी क्लास रेगुलर चली रही है और जो सिलेबस कराया जाएगा वही इंग्लिश आ रही है आपकी। क्लियर है? अच्छा मौका है आपका, परेशान ना होइए, इंग्लिश आपकी बहुत दुरुस्त हो जाएगी। बस जो नियम आपको बताए जाते हैं उसी नियम से आप कीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना बात के। क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन है √3। क्वेश्चन बोल रहा है √3 = 1.732 और √2 = 1.414। ठीक है, 1.414। देखिए क्या बोल रहा है आपका, √3 = 1.732 है और √2 = 1.414 है, और आपको मान निकालना है √3 + √2 और बटे में √3 - √2, इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, √3 = 1.732 और √2 = 1.414 और √3 + √2 / √3 - √2, इसका आपको मान निकालना है। मैं थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए √3 + √2 / √3 - √2, ठीक है, क्या यही है प्रश्न में? जी बिल्कुल यही है, और यही प्रश्न हमें करना है। क्लियर है? ओके, जरा देखिए कैसे करेंगे। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, परमेयीकरण, एक हिंट मैं देता हूँ आपको, परमेयीकरण कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। परमेयीकरण कीजिए, और परमेयीकरण करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू है वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए इसका आंसर। क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए, √3 = 1.732 और √2 = 1.414, यही दिया हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, अब अगर नहीं आ रहा है, सब लोग फोकस करो बोर्ड पे, देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको करेंगे, बहुत आसानी से सब लोगों को आएगा। जरा देखिए हमको किसको सॉल्व करना है, इसको ना, √3 + √2 / √3 - √2। अगर डायरेक्टली हम इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली √3 = 1.732 और √2 = 1.414, डायरेक्टली अगर हम इसमें कर देंगे तो कैलकुलेशन में हमारी थोड़ी सी गलती हो जाएगी, इसीलिए इसमें परमेयीकरण करना पड़ता है। अब परमेयीकरण का मतलब होता है ये जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देना, लेकिन कैसे, चिन्ह बदल के। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए इनको कर दो ब्रैकेट में, नीचे वाली संख्या क्या है, √3 - √2। अब परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर √3 + √2 गुणा हो जाएगा और यहाँ पर √3 + √2। ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसी को ऊपर और नीचे गुणा कर देना होता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा अब ये देखो, ये ब्रैकेट में √3 + √2 है और यहाँ ब्रैकेट में √3 + √2 है। अच्छा अगर मैं x करूँ तो क्या हो जाएगा, अब देखो जरा √3 + √2 और गुणे √3 + √2, तो क्या ये √3 + √2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा ना, बटे में। आप जरा देखो √3 - √2 और √3 + √2, क्या ये a - b और a + b नहीं हुआ, आप बताइए, a - b और a + b ये दोनों गुणा होता है तो क्या a² - b² नहीं होता। देखिए फॉर्मूला लगाइए बीजगणित का, सर ने भी बीजगणित पढ़ाया आपको। देखिए नीचे कंडीशन देखिए, नीचे पूरे में एक है हमारा माइनस में और एक क्या है हमारा प्लस में, a + b a - b फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b². अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो √3 क्या है, a, और √b क्या है,
रूट टू, तो क्या यहाँ पर रूट थ्री का होल स्क्वायर और माइनस रूट टू का होल स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। आप जरा बताइए रूट तीन का स्क्वायर कितना आएगा? तीन, बिल्कुल सही, तीन माइनस रूट टू का दो, तो तीन में से दो गया, कितना बचा? खाली हमारे पास कितना बचा? रूट थ्री प्लस रूट टू, बस इतना ही बचा ना। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको और इसको वैल्यू रख दीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। रूट थ्री का मान कितना है? 1.732। अब प्लस रूट टू का मान कितना है? 1.414। अब बाहर कितना है स्क्वायर? इन दोनों को प्लस कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, करिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है आपको, देखिए क्वेश्चन आपको बता रहे हैं गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ये जो रूट थ्री प्लस रूट टू है और बटे में रूट थ्री माइनस रूट टू है, इसका हमें निकालना था वर्गमूल। क्या निकालना था? वर्गमूल। देखिए अंत में हमारे पास कितना आया, यहां से देखिए अंत में हमारे पास कितना आया, अंत में हमारे पास कितना आया? रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। इसका भी हमें क्या निकालना था? वर्गमूल। जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वह किसके अंदर रहती है? अंडर रूट के ना, तो इसमें लगा देंगे पूरा अंडर रूट, और अंडर रूट लगाएंगे तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, खाली हमारे पास कितना बचा? रूट थ्री प्लस रूट टू। अब रूट थ्री का मान कितना है? 1.732। अब प्लस इसका मान कितना है? 1.414। बस प्लस करना है, ठीक है? आया समझ में? कितना आया? 3.146, बिल्कुल सही है, 3.146 बिल्कुल सही है। एक बार फिर देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझे बोलने में, यहाँ पे हमें इसका वर्गमूल निकालना था, क्लियर है? एक बार सभी लोग फिर से यहाँ पर फोकस कीजिए कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। जरा देखिए, रूट थ्री बराबर दिया था 1.732 और रूट टू बराबर में 1.414, तो क्या हुआ? हमें निकालना था रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस टू, इसका क्या निकालना था हमें? वर्गमूल निकालना था, मैं ये बताना भूल गया था, ठीक है? तो हमने क्या किया, रूट थ्री प्लस रूट टू बटे में रूट थ्री माइनस रूट टू, परमेयीकरण किया। परमेयीकरण का मतलब वही संख्या ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी लेकिन चिन्ह बदल के, तो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस टू हो गया। अब ये रूट थ्री प्लस टू ये पूरे इससे गुणा होगा, नतीजा क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर ना, क्योंकि ये भी वही संख्या, ये भी वही संख्या, मैंने क्या बताया एक्स गुणा एक्स होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ना, तो ये वही संख्या, ये वही संख्या, यानी कितना आ गया? रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। अब बटे में ये देखिए, रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों संख्याएं सेम है ना, तुरंत माइंड में आना चाहिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है? रूट थ्री, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, और तीन रूट थ्री का स्क्वायर तीन और रूट टू का स्क्वायर दो, माइनस किया कितना आया? एक। अब देखिए हमारे पास खाली बचा था रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना था वर्गमूल, ये निकालना था वर्गमूल, का मतलब ये जो संख्या है वो किस में रहेगी? रूट में। अब देखो ऑलरेडी स्क्वायर है, ऑलरेडी स्क्वायर है ना, और फिर अंडर रूट भी है, तो ये अंडर रूट पूरा इस स्क्वायर से कट गया, और खाली हमारे पास क्या बचा? रूट थ्री प्लस रूट टू, अब वैल्यू दिया हुआ है हमने, प्लस कर लिया, ठीक है? कीजिए इसको, ये आ गया है आपको। चलिए आगे एक क्वेश्चन करें इसी टाइप का, देखिएगा इसको मिटा दें।
अगला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, ऐसा ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है रूट टू, रूट टू बराबर में 1.4142, शायद यही है। रूट टू बराबर में 1.4142, ठीक है। हमें मान निकालना है 4+√2 बटे में √2+1, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसमें वर्गमूल नहीं है, सिंपल मान है, ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्गमूल नहीं है। इसमें वर्गमूल नहीं बोला निकालने के लिए, ठीक है। क्या आप बॉयज एंड गर्ल्स, आपको आया एक प्रश्न, जल्दी कीजिए इसको। रूट टू बराबर में दे रखा है 1.4142 और हमें मान निकालना है 4+√2 बटे में √2+1, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, जो बच्चे लगा रहे हैं लगाने दीजिए, जिनको नहीं आ रहा है इधर देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास संख्या क्या है, 4+√2 और बटे में √2+ में कितना, 1, क्या यही है। मैंने क्या बताया था, नीचे वाली संख्या का परमेयीकरण होता है और वो दोनों में गुणा हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस में, तो गुणे √2-1 बटे में √2-1। अब आप जरा देखो, यहाँ पे संख्याएं अलग हैं, यहाँ पे क्या है, संख्याएं अलग है, लेकिन नीचे एक ही संख्या है, एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है। एक प्लस का, एक माइनस का, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आया समझ में। तो इसमें ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलो पहले नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, 2, माइनस बी क्या हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब देखिए जरा, ऊपर दोनों संख्याएं सेम नहीं है, जब दोनों संख्याएं सेम होती तब हम स्क्वायर करते, यहां पर हमें इन दोनों को गुणा करना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले 4 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, पहले 4 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए। देखिए 4 गुणा होगा रूट 2 से, तो कितना आएगा, 4√2, और 4 का गुणा होगा माइनस 1 से, तो माइनस का 4। अब ये रूट 2 का, रूट 2 का दोनों से गुणा कीजिए, जब रूट 2 गुणा रूट 2 होगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का, प्लस का, फिर यही रूट 2 माइनस 1 से होगा तो कितना, माइनस रूट 2, यही आया ना। अब जरा देखिए, 2 में से 1 गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, 4√2 है और यहाँ पर खाली रूट 2 है। अच्छा, ये 4x है और ये खाली x है, तो क्या करना होता है, अगर देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए आप, पहले बगल बगल में कर दीजिए, है ना, x वाले एक साइड, इसमें क्या बोलेंगे, रूट वाले एक साइड, बिना रूट वाले एक साइड। देखो 4√2 है ना, और माइनस रूट 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4√2-√2-4 प्लस में 2। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 2-1 एक ही रहा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए ये 4√2 है ना, अब माइनस रूट 2 है, इसको ऐसे समझिए, 4x-x कितना आ जाएगा, तो 4√2-2 कितना आ जाएगा, रूट 2, 3√2 कितना आ जाएगा, 3√2 माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस चार प्लस दो, बड़ी बड़ी संख्या प्लस में, कितना, माइनस दो ना, बिल्कुल सही, माइनस का 2, यही बचा ना। रूट टू की वैल्यू हमें बोल रखा है 3 गुणा रूट टू, रूट टू कितना है, 1.4142, अब माइनस कितना, क्या यही होगा, गुणा कर दो, 3 दुनाई 6, 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 4, और 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 कितना 4, यही आएगा ना, यही आएगा। अच्छा माइनस कितना करना है, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2.2426 क्या ही आएगा, कर लीजिए इसको। आ गया आंसर। देखिए घर में जाके ऐसे सवालों का जो भी हम करा रहे हैं, घर में जाके एक बार आप इसका रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा।
ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब एग्ज़ाम में आ जाता है सामने तो दिमाग बंद हो जाता है कि क्या करें, रूट वाला तो कभी सीखा ही नहीं। लेकिन देखिए इसको ऐसे करना होगा, प्रैक्टिस में डालिए, आपको अगर नहीं याद होता है रट डालिए, क्लियर है, आए समझ में? क्या इसको मिटा दें? अरे जल्दी करो यार, दो स्टेप का आंसर है इसमें भी तुम्हें नहीं। दोबारा, अच्छा देखो रूट टू बराबर में 1.4142 था और हमें मान निकालना था 4√2 और बटे में √2+1, इसका मान निकालना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परमेयीकरण किया। ध्यान देना, ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे सब में परमेयीकरण करना पड़ेगा। अब परमेयीकरण का मतलब होता है चिन्ह बदलता है। देखिए नीचे वाली संख्या का परमेयीकरण करना होता है, ये ऊपर है 4+√2 और नीचे था √2+1। अब √2+1 का परमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, √2-1। ऊपर वाली संख्या में √2-1 गुणा किया, नीचे गुणा किया। पहले नीचे वाले देखते हैं, ये देखो a प्लस बी हो गया ना, और यहाँ पे a माइनस बी, दोनों के बीच में गुणा है। याद है हमारा फॉर्मूला क्या आता है a प्लस बी, a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है, √2 का स्क्वायर किया कितना आया, 2। 1 का स्क्वायर किया कितना है, अब बीच में क्या आता है माइनस, ये हमने कर लिया। अब ऊपर वाले में आते हैं, देखिए ऊपर वाले में दोनों संख्या चेंज है ना, ऊपर वाले में दोनों संख्या क्या है, चेंज है। तो यहाँ पर कैसे गुणा करना होता है, ये जो 4 है इस 4 का गुणा पहले इस दोनों में करो, पहले 4 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा 4√2, फिर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा -4, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये प्लस है। देखो अब क्या होगा, 4 का तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब +2 का करो, +2 का भी किससे होगा, इन दोनों से, पहले √2 का गुणा और √2 से होगा, तो √2 कितना, 2, ठीक है, आए समझ में? और फिर उसके बाद ये देखो 2 आ गया ना, फिर √2-1 से गुणा करेंगे तो -√2, आए समझ में? 2 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है तो पहले रूट वाले एक साइड कर लो, 4√2-√2 अब -4 अब +2। देखिए ये 4√2-√2 इसको ऐसा ही समझिए जैसे हम 4x-1 समझते हैं। तो 4 रूट में से 1 रूट माइनस हो गया तो कितना हो गया, 3 √2, और यहाँ पर -4 +2 है, बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में है, माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो आ गया -2, बस √2 था यहाँ पे, √2 का हमने मान रखा और हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ऐसा कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आएगा आप लोगों को, क्लियर है। और चित्रकूट की धरती से हमें इतिहास तो बनाना ही है ना, कि कहाँ हमारा चित्रकूट पिछड़ा आता था, लेकिन आप जितने भी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं सब करके दिखा देंगे कि यहाँ से अच्छे अच्छे अधिकारी, पुलिस भी निकल सकता है, IAS भी निकल सकता है, PCS भी निकल सकता है, चपरासी भी निकल सकता है, ठीक है, टीचर भी निकल सकता है। और एक प्रण कीजिए कि हम लोग ये दिखा देंगे कि चित्रकूट अब पिछड़ा नहीं है, चित्रकूट में भी शहरों जैसी व्यवस्था है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका √2 बराबर में 1.4142, √2 = 1.4142, और आपको मान निकालना है 7/3 √2, इसका मान निकालना है, ठीक है, निकालिए फटाफट, कर लेंगे अब तो, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है, फटाफट कीजिए इसको। क्या बोला गया जरा देखिए, इसमें बोला गया है क्या, √2 = 1.4142, तो हमें निकालना है मान 7/3 √2, ठीक है। मैं ऑप्शन भी लिख दूं क्या, इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ, सहूलियत होगी आपको, 1.5858 ये है, और दूसरा है आपका 1.5947, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1.6136, और चौथा ऑप्शन है आपका 1.7316। देखिए ये ऑप्शन है, करने की कोशिश कीजिए, इसको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए फटाफट, पेन को चलाइए, कैसे करेंगे इसको, पहला ऑप्शन आ रहा है क्या, चलो देखेंगे कि आपका पहला है कि दूसरा है, पहले सॉल्व कीजिए। अब जब कोई चीज़ आपको आ जाती है तो उसको फटाफट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में तय हो जाता है कि नौकरी नहीं मिलनी है कि मिलनी है, क्लियर है, अगर 1 घंटे का पेपर है तो। चलिए जिन छात्रों को नहीं आ रहा है जरा करने की कोशिश करते हैं, देखिए √2 का मान हमें दे रखा है 1.4142, हमारा क्वेश्चन क्या है,
सात बटे तीन प्लस रूट टू, इसका मान निकालना है ना। अच्छा वर्गमूल तो नहीं बोला ना इसमें, नहीं बोला। अच्छा आप क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे ना, अब क्या करेंगे परमेयीकरण कर दो, क्या होगा रूट, क्या होगा बताइए, तीन माइनस रूट टू और क्या होगा बटे में तीन माइनस रूट टू, क्या यही होगा, ये गुणा हो जाएगा। अब नीचे वाला तो एज इट इज सिंपल, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, आप जरा बताएं तीन, ये ए प्लस बी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, ए क्या हो गया तीन ना, तो तीन का स्क्वायर कितना आ गया नौ आ गया ना, और रूट टू माइनस रूट टू कितना होगा दो ही होगा, तो नौ माइनस दो आ गया। अच्छा ऊपर देखिए ये सात है और ये ब्रैकेट में है, ये सात है और ये ब्रैकेट में है, जरा ध्यान से देखिए तीन माइनस रूट टू, तो ये जो सात है यह दोनों में गुणा होगा, जब सात तीन इक्कीस होगा तो ये लिखा हमने, और सात गुणा रूट टू होगा तो सात रूट टू। अच्छा आपके पास अब कितना बचा, आपके पास कितना बचा जरा देखिए, नौ में से दो कितना बचेगा, तो 21 माइनस सात और रूट कितना टू, अब बटे में कितना है सात, आप देखिए ऊपर है 21 माइनस सात रूट टू, तो क्या सात कॉमन आ सकता है, ऊपर वाली संख्या सात कॉमन कर सकते हो, कर सकते हो, अरे क्यों नहीं कर सकते, आप सात को अगर बाहर निकाल लेंगे तो वही वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो सात तीन माइनस रूट टू और बटे में कितना सात, सात क्या हो गया और तीन माइनस कितना करना है रूट टू, ए 1.4142, तो तीन में से 1.4142 ये माइनस करना है, तो देखिए 3.0 कीजिए, पॉइंट को पॉइंट से नीचे मिलाइए, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे एक है 4142, ऊपर नहीं है कुछ भी, जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हासिल लीजिए, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 9 में से 4 गया कितना 5, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, और यहाँ पे कितना बचा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बस ये करना सीखिए आप लोग, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिमाग खराब कर देगा, क्लियर है। आ गया कोई दिक्कत यहां पे, क्या इसको मिटा दीजिए, हो गया मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन अभी सिंपल से दे रहा हूं, इसके बाद आपको दूंगा बढ़िया क्वेश्चन। रूट सेवन प्लस रूट पांच अब बटे में रूट सेवन माइनस रूट पांच, इसका मान निकालिए, रूट सेवन प्लस रूट पांच अब बटे में रूट सेवन माइनस रूट पांच, इसका मान निकालिए, और ऑप्शन में आपको देता हूं क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में सिक्स प्लस रूट पैंतीस, सिक्स माइनस रूट पैंतीस एक और दो, सिक्स प्लस रूट पैंतीस और सिक्स माइनस रूट पैंतीस, और सी बराबर कितना है एक, अड्डी बराबर में कितना है दो, ये इसका ऑप्शन है, निकालिए फटाफट, कुछ नहीं करना, परमेयीकरण बस, परमेयीकरण कर दो आंसर निकल आएगा, परमेयीकरण कर दो आंसर निकल आएगा। कितना माइनस में आ रहा है, छह रूट माइनस पैंतीस, एक आंसर आ गया छह रूट माइनस, प्लस में होगा, तुम माइनस बता रहे थे, प्लस बता रहे थे क्या, अच्छा आँख के साथ लगता है कान भी मेरे खराब हो रहे हैं, कानों का कोई अस्पताल है यहाँ पे, अरे बंधु परमेयीकरण कीजिए, परमेयीकरण करोगे तो आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट सेवन और प्लस रूट आएगा ना, यही आएगा ना, और रूट सेवन प्लस रूट पाँच, आप क्या करना है बस ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, अब माइनस है क्या बी स्क्वायर, तो सात का स्क्वायर रूट सात का स्क्वायर सात ही आएगा, माइनस कितना आ गया ना। अब जरा देखिए ऊपर वाला, सभी बच्चे एक बार देखिए ऊपर वाले कैसे गुणा करते हैं, क्लियर है ऊपर वाला गुणा कैसे करेंगे, देखिए रूट सात रूट पाँच है, गुणा करने की जरूरत है क्या इसमें, गुणा करने की जरूरत है क्या, तो डायरेक्टली क्या कर देना है यहाँ पे रूट सेवन प्लस रूट पाँच का क्या होल का स्क्वायर, लेकिन नहीं इसको आपको खोलना पड़ेगा तभी आपका आंसर निकलेगा। देखिए रूट सात का, रूट सात का आपको गुणा करना है किससे रूट सात से, अब फिर रूट सात का किससे करना है रूट पाँच से। देखिए ध्यान से इसको गुणा करने का तरीका, पहली संख्या को इन दोनों से गुणा कीजिए, फिर दूसरी संख्या को भी इन दोनों से गुणा कीजिए, रूट सात और रूट सात गुणा होगा तो कितना आएगा बताइए, सात आएगा बिल्कुल सही, और प्लस रूट सात रूट पाँच से गुणा होगा तो रूट कितना आएगा 35। रूट के अंदर अगर नंबर चेंज हैं अलग हैं तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, देखिए रूट सात रूट पाँच से गुणा हुआ कितना आया रूट 35। अच्छा अब क्या बचा है पाँच, रूट पाँच का रूट सात से गुणा होगा तो कितना आएगा रूट 35 प्लस रूट पाँच का रूट पाँच कितना आएगा पाँच ही आएगा, सात और पाँच कितना हो गया सात पाँच 12 प्लस रूट तीन पाँच रूट तीन पाँच, अरे दो रूट तीन पाँच, एक्स प्लस एक्स कितना होता है दो एक्स, तो रूट तीन पाँच रूट तीन पाँच कितना दो रूट तीन, अब बचे में बटे में सात माइनस कितना टू आ गया ना। अब देखो अभी आप इसको नहीं काट सकते हो, अभी आप इसको नहीं काट सकते हो ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी संख्या बन गई है कि अगर आपको बीच में, वैसे ये नहीं होता है मैथ के नियम में, मैथ के नियम में नहीं होता है, जब आप ऊपर प्लस है तो आप इसको नहीं काट सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा युग्म बन गया है कि अगर काट दोगे तो आंसर निकल आएगा। देखो दो छंग बारह दो एकम दो, अच्छा प्लस रूट तीन पाँच, ये देखो आ गया, लेकिन ऐसा रूल नहीं है, आप कर मत देना वहाँ पे ठीक है, कि आप जो है ऊपर प्लस में और काट दो। देखिए कैसे करना है इसको, कॉमन लेना है, कैसे लेना है कॉमन, ये कितना यही है ना, और नीचे कितना बचा दो, बारह और दो में कॉमन लीजिए, क्या बाहर निकलेगा कॉमन दो, दो अगर बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा छः, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्या रूट पैंतीस, और बटे में कितना दो, दो से दो क्या क्या हो जाएगा कैंसल, छः प्लस रूट पैंतीस, ठीक है आए समझ में, ओके। चलो परमेयीकरण का एक और प्रैक्टिस करो ठीक है, एक बटे अंडर रूट नौ माइनस अंडर रूट आठ का मान कितना होगा, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ ठीक है, हाँ एक बटे रूट नौ माइनस रूट आठ ठीक है, ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, तीन प्लस टू रूट टू, और कौन सा है तीन माइनस टू रूट टू, और सी कौन सा है आपका टू, बाहर तीन प्लस रूट टू, और ये क्या है एक बटे दो तीन माइनस रूट टू, जो भी आपका आंसर हो। देखो ये ऑप्शन है आपके, देख लीजिए ये आपके ऑप्शन है, अब बड़े तरीके से कीजिए, कर दीजिए परमेयीकरण आंसर निकल आएगा ठीक है, पहला नंबर आ रहा है, अच्छा सुन के बता दिया दोस्त, तीन प्लस टू रूट टू तीन माइनस टू रूट टू, और दो बाहर तीन प्लस रूट टू, और एक बटे दो तीन माइनस रूट टू, ए नंबर है, अच्छा ए नंबर आ रहा है, चलो करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, चलिए एक बटे रूट नौ माइनस रूट आठ, अच्छा और गुणे रूट नौ प्लस रूट आठ, और बटे में यहाँ पे कितना आएगा रूट नौ प्लस रूट आठ, क्या ही होगा, अब फिर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर तो कुछ है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो ऊपर वही आ जाएगा रूट नौ और रूट आठ, और नीचे कितना आ जाएगा नौ माइनस आठ सॉरी आठ, तो ये तो एक ही बचा, अब देखिए रूट नौ प्लस रूट आठ, रूट नौ का क्या बाहर निकलेगा तीन, अच्छा आठ का क्या बाहर निकालें, ऐसे कीजिए दो दो चार को आठ, दो दुनाई चार और दो एकम, किसकी जोड़ी बनेगी दो बाहर निकलेगा अंडर रूट में कौन रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टू रूट, ऑप्शन कौन सा है ए नंबर ठीक है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं, टाइम कितना हो गया कोई मुझे बताएगा, डेढ़ बज गया 33 हो गया, लास्ट क्वेश्चन इतना काफ़ी है, ज़्यादा लोड मत लीजिए,
नहीं तो कुछ दिन बाद बोलोगे ये मैं कहाँ गया, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, है ना, गजनी बन जाओगे। चलिए क्वेश्चन लास्ट, 7 + 2 √10, इसका मान निकालना है आपको। √7 + 2 √7 जी पूरे में है, पूरे में है, इसका मान निकालिए, पूरे में है ये। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसका क्या ऑप्शन के हिसाब से करना है। अब क्या करोगे, परमेयीकरण बटे में एक लगा दे, लगा के परमेयीकरण कर दोगे क्या? और क्या, पूरे में लगा है, तुम्हें क्या लगा था? निकालिए फटाफट आंसर, देखिए 7 को हम क्या बना सकते हैं, क्या a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं रूट के अंदर? और a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 7 + 2 √10, क्या उस दो संख्याओं को हम a + b का होल स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं? और अगर ला सकते हैं तो 7 को कैसे तोड़ा जाएगा, 7 को कैसे तोड़ा जाएगा? अरे बस दिमाग में यहाँ तक आ गया है, बाहर नहीं निकल रहा है बस, है ना, कि 7 को तो हम 5 + 2 भी लिख सकते हैं, 7 को तो हम 5 + 2 भी तो लिख सकते हैं, कितना? लेकिन मोहतरमा उसमें √2 √10 नहीं बनेगा, 4 और 3 में 4 * 3 = 21 होता है, 5 * 2 = 10 होता है। a + b के फॉर्म में कीजिए, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कीजिए। अरे यार ये 40 है, 2 √10 में बोलते जा रहा हूँ, ये बताइए, या तो आप एक ही क्रिया कर रही हो देखने की सुनने की नहीं, मैं 2 √10 बोल रहा हूँ ना, आप जरा बताएं। अच्छा आप जरा मुझे ये बताएं, क्या इसको, ये 7 को क्या 5 + 2 नहीं लिख सकते? आप +2 √ कितना, 10 कर सकते हैं। अच्छा आप जरा बताइए, इस पूरे में रूट लगा हुआ है ना, 7 को हमने क्या किया, 5 + √5 + 2 कर दिया ना, अब +2 √10 ये भी कर दिया। अच्छा ये हमारा a का स्क्वायर, ये हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा 2ab, ठीक है। अब जरा देखिए, ये a का स्क्वायर आया है 5, ये a का स्क्वायर 5 तब आया होगा जब √5 का स्क्वायर रहा होगा, अब प्लस ये b तब आया होगा जब √ किसका रहा होगा, अब 5 × 2 = 10, और यहाँ पे प्लस क्या आ गया, 2 √2 ab होता है ना, 2ab, a क्या हो गया √5, अभी क्या हो गया √2, तो देखो 2ab 2 × a × b, तो 2 √5 और कितना, यही आ गया ना। तो ये बताइए क्या यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab क्या होता है a + b का? अब देखो √ के अंदर √5 + √2 का क्या है, होल स्क्वायर, देखिए अंदर होल स्क्वायर है ना और रूट भी लगा है, तो क्या हो जाएगा, खाली क्या बचा, √5 + √2, कौन सा आंसर? अब तुमको क्या लगता है कि नहीं आएगा, आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे, ये भी आएगा। चलिए सेशन समाप्त, अभी आपका होगा हिंदी, इसको बंद कर दीजिए।